छोड़ दीजिए सर, गलती करते हो सर, बहुत चर्बी चढ़ी तुमको, माफ कर दो चुप सर, सर 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 ए मेरा साबुन क्यों लिया तूने? ए मैं तेरा साबुन क्यों लूंगा, मैं अपने घर से लेके आया हूँ, चल जाए यहाँ से। ए लड़ाई काहे को करता है रे? सर उसने पहले मुझे धक्का दिया था, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? सर वही मुझसे लड़ना चाहता, मैं क्या करूँ सर? जल्दी चल चल रे, ए चल सर, चल तो भैया चल चल। इन्होंने क्या किया है सर? एक लड़की का रेप करके भाग रहे थे। केस की डिटेल इस फाइल में, आप उसे फॉलो कीजिए। जवाब में नहीं हुआ और ये सब इस उम्र में रेप करते। कुछ दिख नहीं रहा है, कहाँ हूँ मैं? अरे कुछ दिख नहीं रहा है, कोई है? अरविंद, अरविंद किधर है तू? कोई तो खो इन हाथों। अरविंद मुझे कुछ दिख नहीं रहा भाई। अरविंद पांडे, कोई है? पांडे किधर है? किधर है यार पांडे? पांडे तू इधर ही है ना? पांडे 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 कहाँ हो तुम? ए पांडे मुझे कुछ नहीं दिख रहा, अर्जुन को बुलाना। तू किधर है पांडे? अरे वो तो हमारे साथ ही था, कसम खाई थी ना कि हम सब साथ में रहेंगे, कभी दूर नहीं होंगे। तू किधर है? कहाँ है तू? ए कुमार तू मेरे पास आना पांडे, हम सब मिलकर साथ में रहेंगे, क्योंकि हम सब बचपन में साथ खेल के ही बड़े हुए हैं, हम कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। सर इनके हाथ खोल दो। इधर कौन? ये चारों साथ में ही हैं। कपड़ा हटाओ। तेरा नाम क्या है? अरविंद। तेरा नाम? पांडे। और तेरा नाम? मुरारी। है तू बोल रहे? कमल सर। लगता है इन्हें कोई काम नहीं मिला होगा, इसीलिए इन चारों ने इतनी बड़ी गलती की। हमने कोई गलती नहीं की सर। ऐसे यहाँ कोई नहीं आता, तुम लोगों ने जरूर कोई गलत काम किया होगा। तुमसे हमारी कोई दुश्मनी है क्या? ये जेल है तुम लोगों को अच्छी तरह पता है, तुम लोगों की उम्र अभी बहुत कम है, ऐसी गलतियां करते करते ही तुम लोग कहीं खतरनाक अपराधी न बन जाओ। तुम लोगों की उम्र देखकर तरस आ रहा है, अगर तुम लोग अच्छी तरह से रहोगे तो जल्दी छूट जाओगे, समझ गए? चलो चारों लोग साइन करो, तू कर। यारे तुम्हारी गलती की वजह से सब के सब फंस गए। आजा चल छोड़, अपने गांव का नाम बता। तुझसे तेरे गांव का नाम पूछ रहा है, समझ में नहीं आता? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, यहाँ पर मर्द बनकर अपना सीना दिखाने कौन कौन आए हैं? वो हम सर। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, मोहब्बत में और पाप में क्या फर्क होता है, बताओ तो। मुझे पता है सर। हाँ बोलो बोलो, खड़े हो जाओ, बताओ, कम ऑन बोलो। आपकी बेटी अगर किसी आदमी के साथ भाग जाती है और फिर अगर दूसरे के साथ भागे तो वो पाप है ना सर? बेटा स्टूपिड, ए चुप हो जाओ, साइलेंस। ठीक है
तुम लोगों से कुछ और पूछता हूँ, थिएटर में कौन सी हीरोइन का फिल्म देखने का मन करता है? सर हाँ हाँ बोलो। आसिन, अनुष्का सर। और कोई? अरे अरे, जवानी में सिर्फ एक लड़की का नाम लेते हो, और भी तो हीरोइन है ना। अरे आसिन, अनुष्का, अंजलि, प्रियंका, ऐश्वर्या, अमृता, अरोड़ा, कितनी सारी है। सर स्टैंड अप, जब पूछा था तो जवाब नहीं दिया और अब टोक रहे हो, बोलो क्या बोलना है? जब आप लड़कियों के नाम लेते हैं तो मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है सर। यू मीन इश्क? तेरे नाम वाला नहीं, हीरोपंती। तुम्हारे बाप ने भी कभी ऐसा किया? चलो बैठ जाओ। साइलेंस। ये सब साफ कर। ए, क्या देख रहा रे? क्या किया हमने? चल कभी ना बैठ कर खाने क्या लग पड़ेगी? सर काम नहीं करना चाहते? हाँ सर, नहीं सर, नहीं। ये सब तेरे को साफ करना है, नहीं तो तेरी खैर नहीं। और तू रे खड़े होके क्या देख रहा है? चल चल रे। एक बात में बात समझ में नहीं आती तेरे? खाओ तू ढेर दूंगा तेरी बात। चल तेरी तो। कितना धीरे धीरे हाथ चला रही है, थोड़ा जल्दी कर। ए माँ, जरा इसे भी काम पे लगा। किसने तुझे काम करना सिखाया है? हाँ बोलना, तुझे काम करना नहीं आता है क्या? ये जो गिरा है कौन ठीक करेगा? बोल, तेरा बाप आके करेगा क्या? हाँ समझ क्या रखा है? पांडे, 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 हे, क्या हुआ पांडे? हे, क्या हुआ तुझे? पांडे, ये क्या, क्या हुआ तुझे? मेरा हाथ जला दिया। हाथ जला दिया? क्या है, तुम लोगों को चर्बी चढ़ गई है जो इसकी मदद करने आए हो? तुम्हारी भी यही हालत करूं क्या? क्यों रे, तुम लोग खुद को बहुत बड़े गुंडे समझते हो? हैं? किसका एनकाउंटर करना है, किसका एनकाउंटर नहीं करना, ये सब मैं तय करता हूँ, समझा? तो पता नहीं है तो पता कर ले। तुम्हारे हाथों की ऐसी हालत करूंगा कि ना खा पाओगे और ना धो पाओगे, ऐसी हालत कर दूंगा तुम लोगों की। दोबारा अगर ऐसी हरकत की ना तो एक एक उल्टा लटका दूंगा, याद रखना। दो दिन के लौंडे शरीर में ताकत नहीं, अपने आप को गुंडा समझते हैं। अरे खाना यार, क्यों नहीं खा रहा है? खा ले यार, ऐसे बैठने से क्या होगा? ए पांडे, अब छोड़ देना उस बात को, चुपचाप खा ले यार। पांडे खाना। ये भी कोई खाना है क्या? सुनो, सब लोग आराम से पेट भरकर खाना खाओ। बाहर जाके ये मत बोलना कि खाना नहीं मिलता था। बाहर जाकर के किसी से झगड़ा मत करना, समझ रहे हो ना? तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। अभी बच्चे हो, बड़ों की बात को समझो। चलो खाना खाओ। आइए मिनिस्टर सर, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में मिले थे, अभी तक पहचान नहीं सके। ठीक है, ऐसे ही आजमा रहा था। मैं कुछ नहीं बोला, दुबई में जो हुआ उसमें तुम्हारा ही हाथ था ना। मिनिस्टर सर, आपकी पॉलिटिक्स सिर्फ एक स्टेट तक चलेगी।
लेकिन मेरी पावर इंटरनेशनल लेवल के कोने कोने तक पहुंची हुई है। यहाँ मैं मिनिस्टर हूँ, ये मेरी गवर्नमेंट है। अब चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट आए, आपको कुछ साल तक अगर चैन से रहना है ना, तो मेरे सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी। शायद आपको पता नहीं है, आप तो सिर्फ एक स्टेट के मिनिस्टर हो, मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना। अगर मैं चाहूँ तो आपकी इस मिनिस्टर की पोस्ट को अभी के अभी खाली करवा सकता हूँ। लगता है आपको एक बात का पता नहीं है कि पत्थर पे सर पटकने वाले को हिम्मत वाला नहीं कहते। अगर पत्थर पे सर पटकने के बाद भी बचना हो ना, तो दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। बिजनेसमैन, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट लग रहे हो। सर बड़ा इनोसेंट आदमी है। चाहे चिड़िया जितनी भी ऊंचाई तक उड़ ले, आना उसे जमीन पे ही पड़ता है। चलता हूँ। मिनिस्टर सर, आपकी पॉलिटिक्स काम आएगी या मेरी पावर काम आएगी, ये हम कल देख लेंगे। अब तुम क्या करोगी? मारोगी? छोड़ कर दो। इस देश पर राज करने वाले ही राजा नहीं होते। स्टेट पर राज करने वाले भी राजा ही होते हैं। तुझे अब पता चला ना कि कौन होशियार है? हाँ? ये बहुत बड़ा स्मगलर था, कह के केस क्लोज कर दो। ओके मैडम, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक से डालना। डालना तेरे को कोई भी काम ठीक से आता है क्या? हैं? हाँ। डालना। डाल। देख क्या रहा है? अबे कोई काम ठीक से आता है कि नहीं? चे, ये तो एकदम बेवकूफ है। क्या बात कर रही है, इन चूजों को कौन पिलाएगा? है? चूजे हैं ये। भी इन बच्चों ने अपने गांव में कांड किया, इसलिए तो यहाँ आए ये सब के सब। पता नहीं है तुझे कुछ। वैसे तू तो माहिर है इन चीज में, सिखा दे उसको। क्या कर रहा है तू? ठीक से डालना, गिरा मत ना, गिरा मत। मैं नहीं देता। ए, पानी मत डाल, मैं नीट ही पीऊंगी। सच बता, तुझे ये सब देख के कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? हैं? ए, कुछ पूछ रहा हूँ, बोलता क्यों नहीं रहे? उल्टी आ रही है मुझे। नीट करते से मैं उल्टी नहीं आती, यहाँ आ रही है। चल निकाल, भाग यहाँ से। चल रे। डरता नहीं, मुंह भी बोल देता है। चला। सर, चलना। सर क्या हुआ सर? सर छोड़ दो ना। नहीं सर, चलना, चलना। सर छोड़ दो सर, सर छोड़ दो ना सर। चुपचाप चलना। सर, सर 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 छोड़ दो ना सर। चुप रहा, चल। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सर सर प्लीज छोड़ दो सर, छोड़ दो ना सर, छोड़ दो ना, सोने दो सर। सर बोल नहीं सर मत। क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े हो? मनी, ये इतनी रात ऐसे बाहर क्यों ले जा रहे हैं? यार बाहर भी जुल्म हो रहा है, अंदर भी जुल्म हो रहा है, क्या करें हम? ये क्या कह रहे हो तुम? जेल में हम जैसे लोगों को सुधारने के लिए भेजा जाता है, लेकिन इन पुलिस वालों को यहाँ कौन सुधारेगा? अगर हम यहाँ पर रहे तो ये हमारी जान ही ले लेंगे।
बिना किसी जुर्म के इन लोगों ने हमें अंदर भेज दिया, पर हमें अब कुछ करके दिखाना होगा। सच बोल रहा है, हमने कुछ भी नहीं किया, फिर भी हम लोग यहाँ पर कैद हैं। लेकिन अब हम चुप नहीं रह सकते। सही कहा। ए शेखर, ए शेखर, अरे क्या हुआ, ए क्या हुआ, ए पांडे, ए शेखर को देखना, अरे शेखर देखना कैसा कर रहा है, देखो, ए क्या हुआ, अरे क्या हुआ इसको, अरे शेखर, अरे शेखर क्या हुआ, अरे इसका पैर पकड़ो, शेखर क्या हुआ, अरे इसका पैर पकड़, जल्दी पकड़ना, दबा, अरे पैर पकड़, इसका क्या हुआ, अरे क्या हुआ इसको, अरे सुनो, अरे क्यों ऐसा कर रही है, सर को बुलाते हैं, बुलाना किसको, सर, 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 शेखर को कुछ हो गया सर, सर चलो ना सर, सर प्लीज सर, सर प्लीज सर, भागना आया सर, देखिए मैं, चल, चल, क्या हो गया मेरा, क्यों ये सब क्या हो रहा है, ये कुछ पूछ रहे हैं, बताओ इन्हें। वो पहले से बहुत कमजोर था, उसे फिर सा रहते सर, तो दवाई खिला देते, हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहे थे साहब, पर वो पहले ही मर गए। ऐसा लगता है कि बीमारी की वजह से मरा है ये। हमारी कोई गलती नहीं है, हमने पूरी कोशिश की बचाने की। नहीं सर, इन दोनों की वजह से ये मरा है। लेके जाइए इसे। नहीं सर, इन दोनों की वजह से इसकी मौत हो गई। सर वो झूठ बोल रहा है सर, हम लोग का इंतजाम बहुत ही अच्छा है सर, आप चाहे तो आकर के देख सकते हैं सर, ये तो हमारे खिलाफ ही बोलेंगे सर, 20 साल से करते आ रहे हैं सर, सब कुछ ठीक है। वो तो वेरी ऑनेस्ट पर्सन सर। ओके, तेरा भला नहीं होगा पापी, तूने मेरे बेटे को मारा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे, मेरा बेटा कैसे आएगा। सर ये दोनों लड़कियां कौन से देश से हैं सर? ऑस्ट्रेलिया। ओके है ना? डबल ओके सर। सर आप जैसा रोमांटिक दिल का आदमी और कोई नहीं होगा इस दुनिया में। इन दोनों को देखकर तो मुझे भी चुम्मा लेने का मन कर रहा है सर। सर एसटी नगर में जो आपका घर है ना, उसे आपको ठीक करवा देना चाहिए सर। 100 करोड़ से ज्यादा होगा सर। आप क्या कह रहे हैं सर? सच कह रहा हूँ सर, आप सिर्फ नाम कमाना जानते हो लेकिन मैं पैसे कमाना जानता हूँ सर। अरे वाह, अगर मैडम ने बोल दिया तो ये काम तो पक्का हो जाएगा। मैडम घोड़े पे लगाया हुआ ब्लैक मनी बहुत ही डेंजर होता है मैडम, इसलिए आपको सोच समझ कर लगाना चाहिए मैडम, सच कह रहा हूँ। अरे मेरी दीदी हाँ कर देंगे। सुपर, बिल्कुल ठीक है सर, उसके लिए जो भी चाहिए रेडी करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर हम लोगों को इसने यहाँ पर क्यों बुलाया है। चलो उन्हें आने तो दो। ठीक है सर, आगे हम देख लेंगे। हेलो सर, बहुत बिजी हो क्या? नहीं सर, घर पे मिलते ही नहीं हो सर, ये ड्यूटी ही ऐसी। सरकारी गाड़ी नहीं थी क्या जो तो इससे आया है? क्या हुआ एक्चुअली सर? वो सर क्या है ना, पेट्रोल आजकल बहुत महंगा हो गया और ये गाड़ी। मैंने थाने में फोन किया था, तुम वहाँ नहीं थे इसलिए आना पड़ा। अच्छा इस पे बोलिए ना सर, मैंने मरीना हाउस पे 100 करोड़ का इंतजाम कर दिया। ओके सर, उस पैसे को दीदी के नाम पे ट्रांसफर करना है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम दोनों भी वहाँ मौजूद रहो सर। अरे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अरे नहीं सर, हम लोग टाइम पे आ जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए, बोल मत जाना। अरे नहीं सर, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, पक्का आ जाएंगे। चलो अभी मैं चलता हूँ। ओके सर, जो कहा उसे याद रखना। हाँ टाइम पे पहुंच जाना। ठीक है? ठीक है सर। क्या सर ये क्या बोल रहा था, मेरे तो कुछ बल्ले नहीं पड़ा, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा था। सॉरी सर, गलती हो गई। इन्होंने अब तक जो काम किया है ना, उसका हिसाब मैं बराबर लूंगा। सर आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए? अंदर जाल, काला अंदर। Whoa!
मेरी 20 साल की डिपार्टमेंट सर्विस में आज तक कोई दाग नहीं लगा। आज तक मैं यहाँ क्या क्या करता है ये किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की। मेरी कंप्लेंट करते हो तुम? आज तक जितना सहना था सह लिया, लेकिन अब नहीं सहेंगे। पहले की तरह तुम हमें कमजोर मत समझो। किधर गया करण? क्या कर रहे हो? देखो देखो, बहुत मारूंगा। गलत बात नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। पुलिस वाला हूँ, जिंदगी भर जेल में सड़ जाओगे, छूटोगे नहीं तुम लोग। क्या सर, इनको तो बहुत बुरी तरह मारा है। एडमिट करो और बच्चों को जीप में डालो और तुम यहां आओ। जी सर। नमस्कार। आज दोपहर एमजी रोड के हाईवे पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक जीप में सवार सभी के सभी लोग ब्लास्ट में मारे गए। उस वक्त उस जीप में 4 कैदी और 2 पुलिस ऑफिसर सवार थे। अचानक हुए इस हादसे की वजह से उस जीप में सवार सभी के सभी लोगों की मौके वारदात पर ही मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उसमें सवार सभी कैदियों को एक जेल से दूसरी जेल आगे की पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन पेट्रोल टैंक के फटने से ये भयानक हादसा हुआ। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है ये कोई साजिश हो। इसकी छानबीन के लिए सीबीआई ने जांच आयोग बिठाया है। सर, ए, क्या चल रहा है ये सामान? ऐसे करो कि पुलिस की नौकरी, थोड़ी भी चैन की सांस नहीं लेने देते हो मुझे। सर प्लीज सर, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। चुप रहा, उन 4 लोगों के साथ मैंने तुम्हें भेजा था, आखिर तुम कर क्या रहे थे वहाँ पे? सर इसका मैं अकेले जिम्मेदार नहीं हूँ,
डिपार्टमेंट में कुछ ऐसी बातें हैं जो ठीक से पता नहीं चल रही हैं। हो सकता है शायद इसमें ऊपर वालों का भी हाथ हो सर। और वैसे भी मेरे अकेले का सिंसियर है कि क्या फायदा। पिछले 3 महीनों से मैं बोल रहा हूँ कि टैंक में प्रॉब्लम है, लेकिन किसी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। तो बताइए ना मैं क्या करूँ सर। सर प्लीज, सबसे पहले तो एक काम करना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट में प्रॉपरली व्हीकल मेंटेन करने के लिए आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। प्लीज सर। रहने दो, बिना किसी लफड़े के सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट काम कर रहा है। जानते हो वो जो चारों लड़के थे उनके माँ बाप नहीं थे, इसलिए बच गए, नहीं तो हमें भी जेल हो जाती। इन सब के पीछे पुलिस डिपार्टमेंट का कोई हाथ नहीं है। ऐसी फाइल बना के केस क्लोज करो, आगे ये मैटर नहीं उठना चाहिए। सर, इतने दिनों तक इन बच्चों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकी और अब आप इन बच्चों को ही सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया सर। शट अप। सर हमें क्यों बचाया आपने? आपका इरादा तो बताइए ना सर, बोलिए ना सर। बताता हूँ, वजह चाहिए। क्यों बचाया ये जानना चाहते हो? इस दुनिया में बिना मतलब के कोई किसी की भी मदद नहीं करना चाहता। मेरी भी कोई वजह है। ध्यान से सुनो, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम करना है जिसके लिए मुझे तुम सबकी जरूरत है। मेरे साथ हाथ मिलाओगे तो तुम सबकी तकलीफ मैं दूर कर दूंगा और इतना पैसा तुम लोगों को दूंगा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। उसके बाद चाहे तुम जो करो, ठीक से सोच के बताना। अच्छे काम के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं, बुरे काम में हम साथ नहीं देंगे। ए, सही गलत सोच के लोग जीते तो आज यहाँ कोई बुरा नहीं होता। खैर ध्यान से सुनो, कुछ बातों के लिए अपने दिल की नहीं सुननी चाहिए। एक बात बताता हूँ, तुम्हारे फायदे की है। तुम्हें वैसे भी कोई काम नहीं देगा, लेकिन मैं बहुत जरूरी काम दे रहा हूँ और काम के साथ साथ पैसा भी दूंगा। चलो अब मैं सीधे काम पे आता हूँ, मुझे इसे किडनैप करवाना है। करेंगे सर। ऐसे क्यों देख रहे हो इन्हें? दुनिया बचाने के लिए भी हथियार होने चाहिए और बर्बाद करने के लिए भी। गलती की सजा भुगतना भी जानते हो तुम लोग। जैसा मैं कहता हूं अगर वैसे ही रहोगे तो अच्छा होगा। कानून की लिस्ट में तुम चारों के नाम अब मिट चुके हैं। यहां के मिनिस्टर को उसकी गलती के लिए ठोकना है। अगर एक पुलिस चाहे तो अपराधी को निरपराधी और निरपराधी को अपराधी बना सकती है। ये पुलिस और कानून पति और पत्नी की तरह होते हैं। तुम चारों मर चुके हो ये कहने वाला मैं हूं और तुम जिंदा हो ये बात भी मैं ही कह सकता हूं। इसलिए चुपचाप मेरी बात सुनो। तुम्हारे काम के बीच में अब आगे से कोई नहीं आएगा। गलत करने वालों के साथ गलत करना कोई गलती नहीं होती, लेकिन इस बात को तुम चारों हमेशा याद रखना। कल सत्यप्रकाश नायक पर्सनली अपने परिवार के साथ उसके दूसरे बंगले पर जा रहा है। तो उसे वहीं ठोक दो सर। जल्दबाजी मत करो, कल रात उस बंगले में बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। सारे घर वाले वहीं पर होंगे, मैं भी उस पार्टी में रहूंगा। रात के ठीक 10 बजे मैं वहां से निकलूंगा और कहीं दूर चला जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सब लोग निकल जाएंगे, लेकिन तुम लोग वहीं रहोगे। जब वहां कोई नहीं रहेगा तो उस मिनिस्टर को सीधे ठोक देना। तुम लोगों को कोई देखेगा भी नहीं। इधर देखो, यहां से सीधे जाओगे तो एक बंगला है। अगर तुम मेन रोड से जाओगे तो एक चेक पोस्ट में प्रॉब्लम होगी। तुम यहां के एक स्ट्रेट में सीधे आओगे तो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर तुम्हें देवीपुरा मिलेगा। उसके बाद देवीपुरा से तुम्हें राइट लेना है, वहां रिजर्व फॉरेस्ट मिलेगा।
वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर को तुम्हें चकमा देके लेफ्ट में चले जाना है। वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर कू पार्क है। वहाँ से आगे और 2 किलोमीटर पर तुम्हें एक बड़ा सा सिग्नल मिलेगा। वहाँ से तुम में से कोई भी एक मुझे कॉन्टेक्ट करेगा और उसी समय मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। ओके सर। अरविंद, एसपी को फोन कर। सर फोन आ गया सर। हाँ हेलो। हेलो एसपी, काम हो गया। सुपर, बहुत अच्छे, क्या बात है। अगर हाथ बंधे हो तो खोल दो, सिर्फ मुंह पर ही पट्टी लगा के रखना। hey, तुम जहाँ हो वहीं पर रहो, कहीं भी जाना मत, मैं बस आ ही रहा हूँ। देख लिया देख लिया देख लिया मैंने क्या हालत करा दी इस मिनिस्टर की। सर आप कितना अच्छा गेस करते हैं सर, आप जैसे गेस तो कोई कर ही नहीं सकता है। सर इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। हेलो। हे एसपी, कहाँ हो तुम? क्या हुआ मैडम? है 10 मिनट में तुझे मेरे घर पर आना चाहिए। ठीक है मैडम। सर उन 4 लड़कों ने तो मंत्री को तो किडनैप कर लिया, अब मंत्री की वाइफ पूछेगी तो आप क्या जवाब दोगे सर? पहले सीधे उनके घर जाएंगे और उन्हीं से पूछेंगे मैडम क्या प्रॉब्लम हुई है। तुम बस ऐसी एक्टिंग करना। क्या हुआ मैडम, मिनिस्टर कहाँ है? एक्ट ऐसा करेंगे कि उसे डाउट ना हो, वो भरोसा करेगी और मिनिस्टर के बारे में पूछेगी। हम कहेंगे कि हमें मिनिस्टर के बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद वो खुद कहेगी कि मिनिस्टर को 4 लोग उठा ले गए। सर उन लड़कों को क्या होगा सर? उन्हें वो फॉरेस्ट ऑफिसर देख लेगा। सर आप पुलिस वाले नहीं हो सर, पुलिस की वर्दी में पूरे पॉलिटिशियन हो। ये गेम मैंने बहुत मेहनत से रचा है, इतनी आसानी से मैं फेल नहीं होने दूंगा और कोई भी इतनी आसानी से जाने देता भी नहीं है। मेरे नाम पर जो कुछ भी मिनिस्टर का है वो सब लेकर मैं साइलेंटली अमेरिका चला जाऊंगा। सर आप मुझे भूलोगे तो नहीं ना सर? भूलना मत सर। मैडम आप उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैडम एसपी साहब आ रहे हैं, उन पर गुस्सा कीजिए ना। नमस्ते नमस्ते मैडम। अरे कहाँ का नमस्ते, एक मिनिस्टर के घर पे सिक्योरिटी नहीं दे सकते, कैसे एसपी हो तुम? हाँ अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी सिक्योरिटी खुद ले आती। मेरे यहाँ रहते कुछ नहीं होगा यही डायलॉग मारा था ना तूने? मैडम ये बेचारे क्या करें, इन्हें तो कहीं और जाना था लेकिन साहब ने इन्हें यहाँ बुला लिया। सर ये कैसी सिक्योरिटी है? सर मेरी बात तो सुनिए। क्या कर रहे हो तुम साहब? सर बात तो हुई है सर, मेरी बेटी गायब हो गई है। सर ये आप क्या कह रहे हैं, ये सब कब हुआ सर? तुम लोगों के रहते इतनी सिक्योरिटी के रहते बेटी गायब हो गई, पार्टी में क्या तुम लोग खाना खा रहे थे? याद रखो मेरी बेटी जहाँ कहीं भी हो उसे 24 घंटे में मेरे सामने लेके आओ, लोगों को पता चलने से पहले मेरी बेटी मेरे पास होनी चाहिए, इतना याद रखना तुम, नहीं तो तुम्हें सस्पेंड करने में टाइम नहीं लगाऊंगा। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? ए एसपी, तुम क्या करोगे कैसे करोगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी बेटी 24 घंटों में मुझे यहाँ पर चाहिए। मैडम आप इमोशनल मत होइए मैडम, बाकी सब मैं देख लूंगा। चलो मैडम आप चिंता मत कीजिए, मैडम आपकी बेटी जहाँ भी होगी महारानी की तरह होगी, मेरा विश्वास है। मैं तो बस
देखो तुम गुस्सा करो या गाली दो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए सुन, ज्यादा नाटक मत कर वरना तुझे मारने में हमें समय नहीं लगेगा। ज्यादा आवाज करोगी ना तो यहीं पे काट डालूंगा। हेलो, मंत्री की जगह उसकी बेटी को क्यों उठा लिया तुमने? जो तुम्हें चाहिए था तुमने कहा, जो हमें चाहिए था हमने किया। तुम्हें फैमिली के बारे में कुछ पता है क्या? बेशरम हो तुम लोग, एक नंबर के बेशरम। भूल गए कि मैंने तुम्हें कानून के चंगुल से बचाया था। तुम जिंदा हो या वापस बताना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वाह बहुत अच्छा, तो आकर यहाँ देख लो कौन बचेगा और कौन मरेगा। ए, 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 ए। उठा फोन उठा। सर ये गाड़ी रोक। हाँ बोलिए सर। क्या बताऊँ मैं, मैंने तुम्हें क्या बोला था और तुम ये सब क्या कर रहे हो? कोई काम तुम ठीक से नहीं कर सकते। सर आपने कहा था कि कोई मिनिस्टर को लेकर के आने वाला है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया है सर। हम भी राही देख रहे हैं सर। ये क्या बोल रहे हो? पूरा चक्कर लगा लिया लेकिन अभी तक जंगल में कोई नहीं दिखा सर। यहाँ तक कि अंदर भी जा करके देखा। अगर कोई दिखता है तो मैं आपको कॉल करूंगा सर। मैं अलर्ट हूँ सर। देखो फॉरेस्ट को पूरा छान मारो, फुल्ली स्कैन करो। वो चार लड़के मिनिस्टर की बेटी को उठा ले गए हैं, अगर मिले तो मुझे बता देना। कोई भी गाड़ी हो, नई या पुरानी, सारी चेक करना। समझ रहे हो ना मेरी बात? सर ये क्या कह रहे हो आप? पहले बोला कि मिनिस्टर को लाने वाले हैं, अब उनकी बेटी को कौन ले गया सर? कहीं मिनिस्टर की जगह उसकी बेटी को तो उठा कर नहीं लाए? ओए जो कह रहा हूँ वो करो। सर वीरभद्रा के बारे में मैंने ही तो आपको बताया था, आप चिंता मत करो सर, सब देख लूंगा। चलो भाई। ये फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं? क्या हुआ सर, उन लड़कों ने कोई गड़बड़ कर दी क्या सर? सच कहा, उन्होंने मंत्री को नहीं उठाया तो अब हमें कुछ नहीं मिलेगा, सब खत्म हो जाएगा। मेरा प्लान बर्बाद कर दिया, मिनिस्टर की बेटी को उठा के बहुत गलत किया। क्यों क्या हुआ? मैडम अभी तक फोन नहीं आया है। अब उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वो लोग मेरी बेटी को उठा ले गए हैं और आप उनकी तरफदारी कर रहे हो? हाँ? तुम्हारा भाई भी ढूंढने गया है, समझे? कहाँ जाएगा? रुक। मिनिस्टर की बेटी को मैंने नहीं उठाया सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है सर, विश्वास कीजिए सर। सर आपके साले का फोन। हाँ बोलो। इसने ये काम नहीं किया। खत्म कर दे। ठीक किया ना? मेरे हाथ का शिकार जिंदा नहीं रहा। सब लोग कोई नहीं है यहाँ पे। अरविंद, ए कार्तिक, ए मदन, वो लड़की कहाँ गई? क्या हुआ रानी? क्या हुआ रानी? रानी 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 कहाँ गई रानी? रानी 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 रानी, रानी,
तूने ये सब किया। मैंने क्या किया? मैंने कहा था उसे अकेले मत छोड़ना, लेकिन तू सुनता कहाँ है? अब भाग गई ना वो। ए, आपस में झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, चलो चल के ढूंढ लेते हैं उसे। अगर वो भाग गई तो हम सबके प्लान पे पानी फिर जाएगा। हम चार बचे या ना बचे, लेकिन वो नहीं बचनी चाहिए, समझ लो। क्या करेगा? मेरी चाहे जान चली जाए, लेकिन मैं उस लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मिल गई तो वो सब छोड़ो, तुम यहाँ जाओ, तुम उधर जाओ और तू इधर जा, चलो ढूंढते हैं। अरविंद! हाँ, आया।
वो चारों यही है सर, जंगल में ही घूम रहे हैं सर। लड़कों ने मंत्री की लड़की को उठा लिया, आपने मंत्री को उठाने को बोला था। उन्होंने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया है। जब तक मंत्री की कहानी खत्म नहीं होती मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्या हुआ मेरी बेटी को, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, उसे सोने दो, थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है। तो कोई दवा नहीं दी? ये तो आपके आने का इंतजार ही कर रही थी सर। ए बिटिया, अरे मेरे आने से पहले तुझे कैसे नींद आ गई? सही कहा सर, ये आपको सताने के लिए कर रही थी। चुप कर, ये आपको सताती है तो आपको भी तो अच्छा लगता है। हे, लगता है जंगल में हमें देख लिया गया, यहाँ से निकल। क्या बोल रहा है यार? चल निकल यहाँ से, जल्दी आओ, चल निकलते हैं। चलो चलो, चलो जल्दी चलो, चल, अरे चलना, अरे चलो ना जल्दी। सर, ये जंगल बहुत बड़ा है, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे हम उसे। हाँ। पर कोई बात नहीं सर, आखिर आपसे बचकर जाएंगे कहाँ? आप चुप करो, भले ही हम कितने भी होशियार हो पर हमसे भी एक गलती हुई है। ये क्या कह रहे हैं सर? मिनिस्टर को उठाया तो 4% देने का वादा था, पर उन्होंने उसकी बेटी को उठा लिया। ये गलत है, ये तो हमको भी पता है सर। आप इसके लिए टेंशन मत लो, मैं हूँ ना सर, अपनी प्रमोशन के लिए मैं जंगल का चप्पा चप्पा छान मारूंगा, आप घबराओ मत सर। और अगर तुमने भी वैसा ही किया तो? सर, मैं धोखा देने वाला आदमी नहीं हूँ। तुम पर मुझे शक हो रहा है, मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता। सर, 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 ए, गोली की आवाज आई है। हाँ, ए, वो देख एसपी, अरे एसपी। ए, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं कहता हूँ पहले यहाँ आओ, सुना नहीं क्या? पहले यहाँ आओ तुम लोग, वरना मैं सबका शूट कर दूंगा। रुक जाओ, चल जल्दी, चल निकलो यहाँ से, वो आ रहा है। चल चल चलो, तेरे बाप को उठाने को भेजा था लेकिन वो लोग तुझे उठा लाए। तुझे बाद में देखता हूँ, पहले उनको तो देख लो जब तुझे यहाँ पर ले आए हैं। कहाँ है वो लोग? कहाँ हो तुम लोग? बाहर आओ वरना इसे मार दूंगा। बाहर आओ। छोड़ दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। चिल्ले चिल्ले मार दूंगा नहीं तो। अभी कर दे गोली,
आप से छीन इसकी। इसकी कहानी तो खत्म हो गई, अब ये हमारे रास्ते में कभी भी नहीं आएगा। एमएलए की सीट पर बैठने की तुम्हारी औकात नहीं है, फिर भी तुम एमएलए के सामने बैठे हो, याद रखना, जरा भी झूठ मत बोलना, सीधी तरह बता दो। ए, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सका तो मेरी बेटी को उठा लिया। क्या, तेरी बेटी को मैंने उठाया है? वाह, ये तो बहुत अच्छी कहानी बनाई है तूने। मैंने सबकी डिटेल्स निकाल ली है, पर शक की सुई सिर्फ तुझ पे घूम रही है। देख, अगर तू अपनी भलाई चाहता तो मेरी बेटी वापस कर दे, तो मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तुझे 5 स्टार में पार्टी दूंगा, अगर नहीं लौटाया तो बुरा हाल कर दूंगा। मिस्टर सत्य प्रकाश नायक, तुम्हारी मुझसे सीधी बात करने की हिम्मत नहीं हुई तो आप मुझे धमकी दे रहे हो। ऊपर वाले की कसम खा के कहता हूँ, मैं ध्यान से सुन, मैंने तेरी बेटी का अपहरण नहीं करवाया। तुम मुझे पार्टी दोगे या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसने उसका अपहरण किया उसे मैं पार्टी दूंगा। जब इस राज्य में मंत्री की बेटी सुरक्षित नहीं है, वो राज्य की जनता की क्या सुरक्षा करेगा? इस बैड न्यूज को मैं मीडिया में फैलाऊंगा, तेरी बदनामी होगी, तो सबसे बड़ा फायदा किसे होगा जरा सोच। अब तेरी जगह मैं मिनिस्टर बनूंगा। ए, तेरे सोचने के जैसे कोई एमएलए की सीट नहीं है। हा? मिनिस्टर की पोस्ट पाने के लिए करोड़ों खर्च किए मैंने। तूने कितने करोड़ दिए हैं ये सब पता है मुझे, और तुझे उठाने के लिए कितने करोड़ देने होंगे वो भी पता है। अगर कोई आम आदमी होता तो अब तक पता चल जाता। हमारे पास पावर है, पैसा है, लेकिन क्या फायदा? मेरी बेटी कहाँ है और कैसी है? इस दुख को सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। मेरी बेटी इस दुनिया में है भी या नहीं, इस बात का हम पता नहीं लगा पाए हैं। अरे देखो, रो रही है यार। एसपी आके बचाने वाला था ना, उसने नहीं बचाया इसलिए रो रही है। ए, ये तेरे दुख के आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं? खुशी के आंसू हैं? तुम सब मिलकर मुझे 5-स्टार होटल में ट्रीट देने वाले हो ना, वही सोचकर खुशी के आंसू रो रही हूँ। तुम्हारा और मेरा क्या संबंध है? मेरी आज तक कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं हुई। तुम लोग कौन हो, मुझे यहाँ क्यों लाया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे बारे में कभी सोचा है तुमने? मेरे माँ बाप सब घर वाले परेशान होंगे। मेरी जैसी लड़की को तुम जैसे लड़के उठा कर लेकर आए, कभी सोचा है मेरी जिंदगी का क्या होगा? मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी, लोग न जाने मुझे कैसे कैसे ताने मारेंगे। तुम एक लड़की की इज्जत को नहीं समझते हो, कैसे इंसान हो तुम लोग? मैं अगर कॉलेज से 10 मिनट भी लेट होती हूँ तो मेरे माँ बाप कितना परेशान हो जाते हैं। माँ बाप का प्यार क्या होता है तुम लोग क्या जानो, ये बात मैं समझती हूँ कि वो मेरे लिए कितने परेशान हो रहे होंगे। माँ बाप का प्यार क्या होता है ये मैं जानती हूँ, तुम जैसे अनाथ इसे क्या समझेंगे, तुम तो रोड के कुत्ते। ए, तू अपने बाप की असलियत नहीं जानती है, उसकी वजह से हम सबका क्या हाल हो गया है तू सपने में भी नहीं सोच सकती है, समझी? इसलिए गलतफहमी में मत रह। इस दुनिया में किसी का बाप है ही नहीं क्या, जो तू अपने बाप के बारे में इतनी तारीफ कर रही है? मेरे बाप ने समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तेरे बाप ने उन पर क्या इल्जाम लगाया इस बात का पता है तुझे? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। कौवे और कोयल में क्या फर्क होता है? कौवा गा नहीं सकता लेकिन कोयल गा सकती है, क्यों, है ना? अब
कौवे की गलती ये है कि वो कोयल का गाना सुनने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाता और काव काव करना शुरू कर देता है। तो इससे हमने क्या सीखा ये जानो बच्चों, हमेशा कोयल की तरह सुरीले बने रहो, कौवे की तरह नकल करके गाने की कोशिश मत करो बल्कि अपनी अकल का इस्तेमाल करके आगे बढ़ो। हमेशा एक ही कोशिश करते रहो कि तुम बिना पैसे और पावर के जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। सच्चाई बहुत बड़ी शक्ति है बच्चों। आज मैं तुम्हें एक मजेदार बात बताता हूँ। तुम्हारी उम्र में मैं भी हंसता खेलता रहता था और कुछ करने की ठान ली थी। क्या तुमने कभी ऐसा सोचा कि सर तड़बड़ करता रहता है? मैं अपने टाइम पे अपनी स्कूल का हीरो हुआ करता था और खुद को हीरो समझ करके घमंड में रहा करता था। तो हमें क्या सीखना चाहिए वो मैं तुम्हें आज बताता हूँ। सर बोलिए, बताइए ना सर। देखो ये लड़का पढ़ना चाहता है, इसके घर वाले इसे सपोर्ट नहीं करें, तो क्या तुम चारों मिलकर सपोर्ट करोगे इसे? बिल्कुल सर करेंगे। क्या हुआ, आप लोग अभी तक क्लासरूम में नहीं गए? कोई बात हो गई क्या? बताइए क्या बात है। सर 3 महीने से इन्हें तनख्वाह नहीं मिली है। ओ तो ये है आपकी प्रॉब्लम, पर रुकने की कोशिश तो करो। सर स्टूडेंट्स के पास से थोड़ा ज्यादा लीजिए सर। यहाँ के सारे टीचर्स क्लास चलाने के लिए रेडी नहीं है सर। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो मोहन, अगर तुम्हारे 4 बच्चे हैं और उनमें से 2 अच्छी तरह कमाते और पैसा देते हैं तुम्हें लेकिन 2 निकम्मे हैं तो क्या उन्हें छोड़ दोगे? ऐसी सोच बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए समझे। इस स्कूल में जो गवर्नमेंट को चाहिए वो सब है पर गवर्नमेंट को ये बात पता नहीं है। खैर इस बात के लिए मैं कलेक्टर से मिलने जा रहा हूँ, मिल के आता हूँ तो देखते हैं कोई हल निकलेगा, तब तक तो रुको। पिछले साल भी हमने स्कूल के लिए कितना संघर्ष किया लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे लिए कोई मदद नहीं दी सर। सर स्टूडेंट से मिलने वाली फीस से हम दूसरे नए टीचर को अपॉइंट कर सकते हैं सर। मेरी नीयत खराब नहीं है, मैं शिक्षा को बेचूंगा नहीं। आजकल सभी स्कूल शिक्षा के नाम पर लाखों रुपए हथिया रहे हैं पर शिक्षा नहीं देते हैं। उन्होंने इसे बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया जिससे शिक्षा का स्तर घटता जा रहा है। लोग सोचते हैं कि पैसे देकर वो शिक्षा खरीद सकते हैं और इसी वजह से गवर्नमेंट भी प्राइवेट स्कूल को इम्पोर्टेंस देती है। तो इससे गवर्नमेंट को मनचाहा पैसा मिल जाता है पर शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है इस बात की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। अब सुनो, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला के निस्वार्थ भाव से बड़ा करती है ठीक वैसे ही हमें भी इन बच्चों को बड़ा करना है, इन्हें शिक्षा देनी है, पैसों का लालच नहीं करना। तो जहाँ तक संभव हो मिलकर संघर्ष करेंगे। खुशकिस्मत है जो हमें नेक काम करने का मौका मिला, तो ऐसे वक्त में हमें हौसला नहीं हारना चाहिए बल्कि सच्चे दिल से साथ निभाना चाहिए। हमें किसी के दया भाव की जरूरत नहीं है, हमें किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इतने दिन से मैं भी इसी स्कूल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैंने हिम्मत नहीं हारी पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी झेलो, पर अपना कर्तव्य तो निभाओ। शिक्षा जैसे नेक काम के लिए हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, इस नेक काम को हम मिलकर करेंगे। भाई स्वेटर ले लो, स्वेटर ले लो। कैसे बहुत अच्छा स्वेटर है, आपको फिट आएगा। नहीं चाहिए स्वेटर सर, स्वेटर ले लो सर, कमरे लगा दूंगा सर, ले लीजिए। कितने का है? जर्किन ओनली 300 रुपीज सर, ले लीजिए ना सर। ठीक है मुझे एक दे दो। ओके स्वेटर ले लीजिए सर, सर इतने सस्ते में कहीं नहीं मिलेगा सर। सरस्वती, अरे कहाँ है बेटा? आ रही हूँ। पर ये बच्चे कहाँ गए? स्कूल से आते ही बैग रख के कपड़े बदल के कहीं चले गए, मुझे कुछ भी नहीं बताया पिताजी। पर ये आखिर गए किस काम से हैं? कुछ बता के गए क्या? नहीं कुछ नहीं बताया। ओ कहीं घूमने गए होंगे, आ जाने दो, इनकी खैर नहीं है, छोड़ूंगा नहीं मैं इन्हें। आ गए। क्या हुआ? गए थे? पता क्यों नहीं जा सकते थे? चुप क्यों है? बोल। अरे कहाँ गए थे बोल ना। आपकी तकलीफ कम करने सर। हैं? मेरी तकलीफ कम करने? मुझे क्या तकलीफ है? तकलीफ है ना, टीचर तुमसे 3 महीने की तनख्वाह मांग रहे थे, आपके पास था जो आपने दे दिया। हाँ तो क्या? हाँ होलसेल के भाव में हमने स्वेटर रिटेल में बेचा। हैं? अब ये क्या है? हमने स्वेटर बेचकर पैसे कमाए, आपको कोई प्रॉब्लम है? चुप रहो, ये ले अंदर ले जाकर रख दे। बढ़िया स्वेटर बेचने वाले, दूंगा एक गाल पे चमाट जोर से। पढ़ाई के वक्त अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे गधो? तुम सबकी अच्छी पढ़ाई के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और तुम जाके पैसे के चक्कर में स्वेटर बेच रहे हो। लेकिन कार तकलीफ जो भी होगी वो मैं देख लूंगा, इतनी हिम्मत है मुझ में? बढ़िया है लाड साहब, जो चले पैसे कमाने, अगर अच्छी पढ़ाई करके स्कूल की देखभाल करोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। दोबारा किसी ने ऐसा किया ना तो टांगे तोड़ दूंगा। मेरी बात खोपड़ी में जा रही है, अनसुनी कर रहा है?
कितने पैसे हैं ये? पूरे 1000 रुपए हैं। अच्छा अच्छा, आपको नहीं चाहिए तो हम किसी और चीज में खर्च कर लेंगे। ये तो तुम अच्छा करोगे। लेकिन ये पैसे तुम वापस किसे दोगे? किसे दूंगा पता ही नहीं है क्या? इसे इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस में पहुंचवा दो। ओके सर। आइए आइए, कैसे हैं मास्टर जी? बस अच्छा हूँ। बैठिए। मैंने आपके स्कूल को गवर्नमेंट मान्यता दिलाने के लिए आगे बात की हुई है, लेकिन क्या करूं, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सरकार में बैठे लोगों को समझना चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा सर, मैंने भी सरकार को ये बात समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। MLA चेंज होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि रूल्स तो आखिर वही बनाते हैं। आजकल कोई भी MLA ईमानदारी से काम ही नहीं करता। दुविधा ये है कि इसके अलावा हमें कोई दूसरा रास्ता ही नहीं पता। मास्टर जी, सरकार आपके स्कूल की सिफारिश को अनदेखा कर रही है, इसमें हम जैसे ऑफिसर कुछ नहीं कर पाएंगे। इस 15 अगस्त को सारे नेता तिरंगा लहराने के लिए आएंगे, उसी समय मैं उनसे बात करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरी पूरी कोशिश होगी कि काम हो जाए, तभी मैं उन्हें अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, निश्चिंत होकर घर जाइए। शुक्रिया। ओए सर, आज बिना बताए पता नहीं कहाँ चले गए, बड़ी चिंता हो रही है। अरे चिंता मत करना यार। पर किसी ने किसी को तो बोल के जाते थे, लेकिन आज अचानक कहाँ चले गए वो? मुझे क्या पता भाई। अरे वो तो सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ चले गए। सरस्वती, तुझको मालूम होगा ना, कुछ बोलना। नहीं पता, मुझे भी कुछ बता के नहीं गए। हाँ बस यही यही यही। हाँ रोक दे भाई, रोक दे। ए, अरे देखना सर आ गए। हाँ आ गए। सर आप कहाँ गए थे, बता के नहीं जा सकते थे? सुबह से गायब है, आप बिना बोले कहाँ चले गए थे? हम बिना बोले गए थे तो आपने डांटा था। आप कहाँ गए थे पापा? अरे और क्या, बस कलेक्टर से मिलने गया था। तुम सबके लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूँ, हमारे कलेक्टर साहब MLA से बात करेंगे। इतना ही नहीं है, वो हमें गवर्नमेंट से एड दिलाने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, अगर गवर्नमेंट ने हमारी स्कूल को एड दे दी ना, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इस स्कूल को कॉलेज बनाऊं। अच्छा। और मिनिस्टर साहब से ही इसका इनॉग्रेशन करवाऊंगा धूम धड़ाके के साथ। आप सबको नमस्कार, मैं आप सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच मंत्री जी आए हैं और वो हमारे स्कूल के लिए गवर्नमेंट से इस विषय पर बात करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर साहब ना सिर्फ हमें गवर्नमेंट से अच्छी एड दिलवाएंगे, बल्कि इसे कॉलेज तक पूरा करने का सपना भी पूरा करेंगे। मिनिस्टर साहब आज हमारे बीच मौजूद हैं, उनकी कृपा से ही आज हमें ये सफलता मिली है। तो मैं कलेक्टर साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो यहाँ माइक पे आए और बच्चों को दो शब्द कहें। आप सभी को मेरा नमस्कार, आज इस अवसर पर मंत्री जी आए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस एरिया का कलेक्टर होने के नाते मैं आज इस स्कूल के फंक्शन में आया हूँ, इस बात से मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरी आग्रह पर आज यहाँ मंत्री जी पधारे हैं, जो आपके स्कूल के विकास के लिए अपना योगदान देंगे। आप लोग भाग्यशाली हो कि आपके टीचर्स इतने संघर्षों के बाद भी आप सभी बच्चों को शिक्षित करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनकी वजह से। क्योंकि चाहे जो कुछ भी हो, इन्होंने आज तक किसी भी बच्चे की पढ़ाई रुकने नहीं दी है, और आज मंत्री जी आए हैं, हम इनके आभारी हैं। अभी तक इस स्कूल में जितनी भी तरक्की हुई, यहाँ के लोग इसके गवाह हैं। सच बात तो यह है कि स्कूल को आगे बढ़ाने में यहाँ के प्रिंसिपल और टीचर्स का बड़ा योगदान है। इस स्कूल को सरकारी मान्यता दिलाने के लिए मैंने साहब से बात की है और मुझे विश्वास है कि यह काम हो जाएगा। अब मैं साहब से आग्रह करूंगा कि आकर दो शब्द कहें। ये माइक पर खड़े होकर नेतागिरी कर रहा है। यहाँ के प्रबंधक का काम सराहनीय है, इनकी वजह से ही स्कूल की उन्नति हुई है। जो कुछ भी इन्होंने किया, यहाँ के बच्चों के हित के लिए किया, इसलिए ये आज हम सब के लिए उदाहरण बन चुके हैं। हमारे समाज को इनसे सीख लेनी चाहिए कि अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो शुरुआत में चाहे थोड़ी मुश्किलें आए, लेकिन एक दिन वो काम हमें हमारी पहचान दिला ही देता है। किसी के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता है, अपनी मेहनत से ही पहचान होती है। ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए ईमानदारी और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, वो इन्होंने किया है, आप लोगों की तरफ से और मेरी तरफ से भी। ऐसे सच्चे पथ प्रदर्शक को
आपकी तरफ से, समाज की तरफ से मैं दिल से इनको नमन करता हूँ। शुक्रिया साहब। सर बोल दीजिए। सर यहाँ आसपास के 10 गांव के लिए बस यही एक स्कूल है। इस इलाके में दूर दूर तक और कोई स्कूल नहीं है। आपने तो सब कुछ अपनी आँखों से देखा है। अगर डिग्री की मान्यता मिल जाए तो फिर ये स्कूल कॉलेज में भी। आप टेंशन मत लीजिए, मुझसे जो होगा करूँगा। आप कल घर आ जाइए, बात करते हैं। बहुत मेहरबानी साहब। मेरे साहब ने एक बार बोल दिया ना तो आपका काम हो ही जाएगा। ठीक है, चलता हूँ। जल्दी आइए सर। जी नमस्कार। आया साहब। हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, मैं भी चलता हूँ। ओके। मैंने जैसे सोचा है वैसे ही बिल्कुल एक स्टार होटल बनाना है। उतना ही नहीं, उस जगह की कीमत 40 करोड़ से ज्यादा होगी। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका तीनों स्टेट के सेंटर में है ये। किसी भी कीमत पे ये जगह हासिल करनी है। अगर इसके बीच में किसी ने भी टांग अड़ाने की कोशिश की तो मारेंगे ही नहीं, वंशी खत्म कर देंगे। तुमने अच्छी तरह से रिसर्च किया है ना? तुम्हें पसंद है? तो फिर काफी है। नमस्कार साहब। सर से कुछ काम था, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था। क्या बात है? वो स्कूल और कॉलेज के लिए बात करनी थी। ठीक है, वेट करो। सर आपसे मिलने रामनारायण आया है। अंदर भेज दो। ओके सर। साहब आपके कहते ही आ गए। आपने उस दिन उनको ज्यादा प्यार दे दिया इसीलिए यहाँ तक आ गए। उसका दिमाग ठीक नहीं है इसलिए वो आया है। आप अंदर जाइए। जी शुक्रिया। आइए आइए साहब, आपका ही इंतजार कर रहे थे। नमस्कार। आप तो ठीक है ना? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मालिक के साथ कोई दुखी रह सकता है क्या? खाली ड्रेस अलग अलग है। बैठिए बैठिए। बैठो बैठो। चाय कॉफी कुछ लेंगे? नहीं नहीं सर, चाय कॉफी कुछ नहीं, मैं तो बस आपसे। अरे वो तो मैडम करेंगी। ये हमारी घरवाली हैं। नमस्ते मैडम। अगर इन्होंने हाँ कहा तो सब हो जाएगा। 4 करोड़ मेरे ख्याल से तुमने कभी देखे ही नहीं होंगे। सर मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या करें? 4 करोड़ है कह तो रही है। आपने 4 करोड़ कभी देखे हैं? इतने पैसे आपको दे रहे हैं, लेकर जाइए यहाँ से। सर मुझे कोई ऐसे भी पैसे देता तो मैं लेता ही नहीं हूँ। आप तो बिना वजह मुझे 4 करोड़ दे रहे, तो मैं कैसे ले सकता हूँ? क्या है कि तेरा स्कूल हमें पसंद आ गया है, तू ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक जिएगा, उसके बाद उस स्कूल का क्या होगा? सर आप मिनिस्टर हो, आपको अधिकार है इसलिए कुछ भी कह सकते हो। अरे इसीलिए तो 4 करोड़ तुम्हें दे रहे हैं। देखो भाई वो सब छोड़ दो और स्कूल हमारे नाम पे कर दो। कितने लोग ऐसे ही जिंदगी बिता रहे हैं, कम से कम तुम तो अपनी जिंदगी को आराम से गुजारो। क्यों ये चॉकलेट खाने वाले बच्चों के बीच अपनी जान देने पे तुले हो? अरे अपने बारे में सोचो, परिवार के बारे में सोचो, अपनी सेहत के बारे में सोचो। ये पैसा तुम्हारा भविष्य बना देगा। क्या सर, आप जब स्कूल में आए थे तो आपने कितना अच्छा भाषण दिया था और आज आप ये बात कर रहे हैं? आपके लिए तो सब कुछ आसान है। इस स्टेट में बहुत सारी ऐसी जगह है जो आप आसानी से ले सकते हैं, और तो खाने के लिए 2 वक्त का खाना और कपड़े आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा कहाँ मिलती है? क्या आपको नहीं लगता कि गांव के बच्चों को सीखना चाहिए? क्या उन्हें शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है? उस गांव में वो सिर्फ एक ही स्कूल है सर। ओए बंकर, मेरे घर में आके मेरे सामने बैठ के मुझे एडवाइस दे रहा है? ये अपना ज्ञान तो अपने स्कूल में ही सुना। ठीक है साहब, आप दोनों मिलके एक गरीब शिक्षक को बेवकूफ बना रहे हैं।
मैं तो इस उम्मीद से आया था कि आप हमारी स्कूल के लिए कुछ करेंगे, लेकिन आप तो मुझे मेरी स्कूल बेचने के लिए कह रहे हैं, ये कैसा इंसाफ है साहब? सुनो, देसी पियो या इंग्लिश पियो, दोनों में नशा एक जैसी चलती है, कुछ पता चलता है? ये पैसे लेकर जाओ, रोज एंजॉय करो, जाओ यहाँ से। हाँ, समझ गए बात। जब तक मेरी जान में जान है ना, तब तक मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा। मुझे आपसे किसी तरह की कोई मदद नहीं चाहिए मिनिस्टर साहब, मैं आप जैसे एमएलए के पास अब कभी नहीं आने वाला। मैं चलता हूँ मैडम। कहाँ है, अब तक क्यों नहीं आए? अरे आगे सर, आगे। इतना लेट क्यों आ रहे हैं सर? क्या बहुत देर कर दी आने में आपने? मिनिस्टर से मिले? क्या कहा उन्होंने बताइए ना, थोड़ा जल्दी आना था ना आपको। ए, मिनिस्टर से बात करने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। आ गए हैं तो अंदर चलिए ना सर। अंदर चलिए, आइए सर, अंदर बैठिए, आराम से बातें करते हैं। ए सरस्वती, पापा के लिए सूप बना के लाओ। हाँ ठीक है, बैठिए बैठिए ना। अरे जल्दी देना, कितना आराम से आ रही है, जल्दी ला। ठीक से बनाया ना, ये लीजिए। आज तो आप बहुत खुश हैं ना सर? मैंने जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ बच्चों। वो तो ये चाहते हैं कि मैं ये स्कूल उन्हें बेच दूं, वो तो यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चों को निकालना चाहते हैं। लेकिन कौन? वही मिनिस्टर जो उस दिन आया था, बड़ा आदमी है, उसने मुझे अपने घर बुलाया तो मैं भी चला गया। सोचा नहीं कि आखिर क्या होगा, पर देखो ना, वो तो हमें बर्बाद करना चाहते हैं। क्या 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 कह रहे हैं आप? क्या क्या उसने? वो ये जगह चाहते हैं और इसके लिए वो पैसे देने को भी तैयार है। मुझसे कहा कि स्कूल मैं उन्हें दे दूं और ये जगह छोड़ के कहीं दूर चला जाऊं। ये स्कूल उन्हें दे के पैसे लेके मैं करूंगा क्या? उसके बाद हम सब लोग आखिर जाएंगे कहां? पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? वो बोले कि कब तक जियोगे, मरने के बाद क्या स्कूल को अपनी छाती पे लेके जाओगे? वो बोल रहे थे क्या स्कूल स्कूल की रट लगा रखी है, लेकिन तुम्हें बताओ अगर ये स्कूल नहीं होगा तो मैं आखिर करूंगा क्या? नहीं पापा, भगवान। बेटा तुम सब लोग मेरे मरने के बाद इस स्कूल का और मेरी बेटी का ध्यान रखना प्लीज। पापा, ये क्या कर रहे हो पापा? ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग हैं ना, हम हैं ना पापा। आप चिंता मत करो, जाए मजदूरी बनेगी। क्या ये लोग तो बस बात नहीं करेंगे? ए रो मत ना, ए मत रो ना, ए रो मत बेटा, नहीं नहीं, ए रो मत, ए मत रो, मत रो मत रो बेटा, बेटा कुछ नहीं होगा। ए सुन ना रोबर, रोबर बात है। अरे तुम सब लोग ऐसे क्या कर रहे हो? मैं भी कितना बेकार आदमी हूँ जो तुम लोगों का हौसला बढ़ाने के बजाय मायूसी दे रहा हूँ। पापा नहीं, कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना पापा। पर कुछ नहीं होगा, देखना कुछ नहीं होगा। मत रोइए पापा, रो मत, रो मत, मैं भी नहीं रो रहा। तू भी मत रो। देखो अच्छा बुरा वक्त तो सभी के साथ आता है, आज हमारा बुरा वक्त है, कल अच्छा आएगा, इसलिए हौसला मत छोड़ो, आगे बढ़ते रहो, और जब तक हम लोग एक साथ हैं तो कुछ बुरा नहीं होगा। देखो ना, तुम जैसे प्यारे प्यारे
बच्चों को आज मेरी वजह से तकलीफ हुई, मुझे माफ नहीं पापा, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। हम आपसे वादा करते हैं, आपका जो स्कूल है ना उसको यूनिवर्सिटी हम बना के दिखाएंगे। हाँ पापा, हम बनाएंगे, सच बता रहे पापा, हम सब लोग बनाएंगे, हम उसे यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हमारा स्कूल यूनिवर्सिटी होगा ना? तू रो क्यों रही है? रो मत, सब अच्छा ही होगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, अगर सब लोग साथ है ना तो जीत हमारी होगी, बस हिम्मत मत हारना। चार पाँच छः, सरस्वती नाश्ता तैयार है? हाँ कर रही हूँ, मुझे भी स्कूल के लिए तैयार होना है और इसे अपनी पड़ी है। सरस्वती क्या है, समझ क्या करना, हमें स्कूल जाने में देरी हो रही है, समझा करो। सुबह से यही रट लगा रखी है। अरे तुम मजाक समझ रही हो, तुम्हें पता है रात में पापा ने खाना नहीं खाया। अरे तो रात को ही बताना था ना। तुम किसी की बात सुनते हो क्या, हमेशा अपनी जल्दी में रहते हो। ठीक है तुम नाश्ता तैयार करो, हम भी तैयार होते हैं। चल पूछते। सुनिए आपने कल रात से खाना क्यों नहीं खाया है? क्या हुआ पापा, आपने ऐसा क्यों किया? तुम लोग खाओ ना, मुझे भूख नहीं है। नहीं पापा आप चलिए, तुम जाओ। नहीं नहीं आप चलिए ना पापा। ए अंदर आना। बैठिए, खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, खाना खाना निकालो और डाल। नहीं रहने दो, खाइए ना आप। नहीं खाइए, खाइए आप, खोलिए ना पापा, आप खाइए मैं आता हूँ। साहब आप हैं? हम तेरी यहाँ बातें सुनने नहीं आए। पन्नालाल पढ़ के सुनाओ। मलाई नूर ग्राम के राम गोस्वामी का बेटा मैं मोहन गोस्वामी पूरे होशो हवाश में इस स्कूल को मंत्री जी के नाम लिखता हूँ। मुझे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए अपने पूर्वजों की जगह को मजबूरी में मंत्री जी को दे रहा हूँ। इसके पहले यहाँ जो जगह थी उसमें बनी हुई इमारत के साथ साथ यहाँ की सारी प्रॉपर्टी, उसके साथ ही यहाँ के सारे पेड़ पौधे, इनको समझ गए ना? लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ। इस प्रॉपर्टी के सारे कागजात मैं अपने होशो हवाश में मंत्री जी को और उनकी पत्नी पार्वती जी को अपनी सहमति से पूरे होशो हवाश में दे रहा हूँ, समझ गए ना? ये इस तरह से इसे मारना, और ये लोग कौन है, यहाँ हो क्या रहा है और इसमें क्या लिखा है? इतनी जोर जोर से तो पढ़ रहा था, सुना नहीं क्या? फिर से सुनाऊं? रुको सुनाता हूँ। चुपचाप साइन कर दे। साइन? पर मैं मेरी जगह तुम्हें क्यों दूं? साहब आप सब लोग मुझे मिलकर डराने की कोशिश कर रहे हो, पर ये मेरा स्कूल है, ये जगह मेरी है, किसी को नहीं दूंगा मैं। ये मेरा सपना है, ये मेरी जिंदगी है, और जब तक मैं जिंदा हूँ ये मैं किसी को नहीं देने वाला। चले जाओ ऐसे, तुम भी जाओ और उन्हें भी जाने को कहो, जाओ यहाँ से, जाओ मेरे काम, जाओ। खड़ा हो तो मेरे गिरे बात हाथ डाल रहा है। नहीं छोड़ो उसे, मारो इन्हें। हे जाके इसकी हिम्मत टूट ले। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, छोड़ो उसे, 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 छोड़
सर, अब क्यों हो रहा है? साइन के लिए मना किया था। प्लीज मैं साइन करूँगा। दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोलो, मैं साइन करूँगा। ला, जल्दी दो। मैं साइन करूँगा। उसे बोलो, उसे बोलो। मैं साइन करता हूँ। ऐसे मत करो। उसे बोलो दरवाजा खोले। जल्दी कर। छोड़ो। सुनो, जल्दी से साइन कर लो, अपनी बेटी को बचा लो। पकार। नहीं, खोलो, दरवाजा खोलो। सरस्वती, कपड़े लो सरस्वती। बोलो गए, लो कपड़े पहन लो। बोलो गए, बेटी बोलो। सरस्वती, सरस्वती बेटी, बेटी। हमारा स्कूल हमसे छीन लिया, हमारी प्यारी बहन सरस्वती पर तुम्हारी माँ के कहने पर तुम्हारे मामा ने बलात्कार किया और हम चारों को जेल भिजवा दिया। पापा का क्या हुआ यह हमें अब तक नहीं पता, और इन सब की वजह तुम्हारे माँ बाप है। मुझे ऐसे माँ बाप की बेटी होने का अफसोस हो रहा है। मुझे पता नहीं था मेरे माँ बाप ने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुमने मुझे किडनैप करके बहुत अच्छा काम किया है। मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हारा स्कूल वापस दिलाऊंगी। अब ये बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? बताओ, सोच क्या रहे हो? अपने बाप से बोलो हमारा स्कूल वापस कर दो, हमारे लिए इतना काफी है। कौन है? हमें अपना स्कूल वापस चाहिए। स्कूल वापस चाहिए? तुम्हारी किडनैप की हुई बेटी हमारे पास है ना? ए, कौन हो तुम लोग? मेरी बेटी को क्या उठाया है? जिस राम नारायण का तुमने सब कुछ छीन लिया था ना, मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। अब पहचान लिया कि हम कौन है? अच्छे से पहचान गया। तुम लोगों का क्या हश्र किया था भूल गए क्या तुम लोग? अगर मेरी बेटी को नहीं छोड़ा तो। जब गलत करके तुम लोगों को डर नहीं लग रहा है तो हमें डरने की क्या जरूरत? आज सिर्फ तेरी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें पैसे चाहिए और जब तक पैसा नहीं मिलता तब तक तुम्हारी बेटी यहीं हम लोगों के साथ रहेगी, समझ गए? हे, क्या बोला रे? मेरी बेटी को छोड़ दो। कौन है, किसने मेरी बेटी को उठाया है? बताइए, बताते क्यों नहीं आप? बताइए ना। तू यहीं रुक। बताइए, बताइए ना। आजा, आजा। पहले ये बता तूने अपनी दीदी के लिए किया क्या है? कोई गुंडा मेरी बेटी को उठा के हम लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है और तुम लोग बड़े सुकून से रह रहे हो। दीदी, तुम थोड़ा चुप रहोगी? जीजा, कौन है वो लोग और वो लोग चाहते क्या है? वो स्कूल याद है ना जिसपे हमने कब्जा किया और तुमने उसकी बेटी का रेप किया था? वही लड़के फोन पे धमकी दे रहे हैं। है? तुम लोग चुप मत बैठो, वो जहाँ भी है उन्हें मार कर मेरी बेटी को वापस ला दो। चुप रहो दीदी। है सेक्रेटरी सर, फोन से वो नंबर निकाल के मुझे दो। ठीक है सर। सर 9884573 57। बहुत हुआ, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कह देता हूँ। सुन, पुलिस को फोन लगा, जल्दी कर। अरे
डर नहीं लगता क्या? डर नहीं लगता? अगर वो सब तुम्हारे साथ होता तो तुमको भी डर नहीं लगता। हमने डरना छोड़ दिया है, अब असल में डर हम लोगों से डरता है। जब तुम्हारा बाप इतना खतरनाक है तो वो सोचकर तुम्हें डर नहीं लगता? माँ बाप तो सबके होते हैं ना। हमारे माँ बाप भी हमसे बहुत प्यार करते थे, हमारे लिए अपनी जान देते थे, लेकिन आखिर हुआ क्या? हमारी किस्मत में वो है ही नहीं। अब तो हमारे बारे में सब कुछ जानी गई हो ना। हे, मुझसे भूल हो गई। सर, सर हम फॉरेस्ट में हैं। किस रेटिंग में है पता नहीं। चिन्नारी फॉरेस्ट, रेंज नंबर 7। ओके सर, हम वहां पहुंचते हैं। ओके। सोन, अपने सारे लड़कों को लेकर तुरंत पहुंच, जल्दी। क्या रे, तुम लोग हमें धमकी दे रहे थे? अभी दूध के दांत टूटे नहीं हैं और हमसे पंगा लेना चाहता है? क्यों रे, इतनी सी उम्र में इतनी हिम्मत आ गई तुम लोगों को हा? जब बिना डरे हम लोगों से पंगा लेने की कोशिश की, एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा हश्र क्या करूंगा? जब गलत करके तुम लोगों को डर नहीं लग रहा है तो हमने तो कुछ गलत नहीं किया है, तो हमें डरने की क्या जरूरत? इतना आसान नहीं है। पहले हम लोगों को स्कूल दे दो, फिर हम तुम्हें तुम्हारी लड़की वापस कर देंगे। हाँ? तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, तुम जो चाहे वही करोगे, ये सोच रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुमने हमें जो चोट पहुंचाई है वो हम कभी भूल नहीं सकते हैं, उसका बदला तो हम लेकर ही रहेंगे। अंडे से बाहर भी नहीं निकला और मुझे धमकी दे रहा है, इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हें? हाँ? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा तुम लोगों के। ए, मारो इन्हें। बांधो, बांधो इसको, बांधो।
और सुन। क्या हुआ? मैडम, ऐसे पागल की तरह हंस क्यों रहा है? मैडम आप टेंशन क्यों ले रही हैं? पूरे गांव के गुंडे आपके भाई के साथ गए हुए हैं। वो चार चूजे आपके भाई को क्या कर पाएंगे? बेचारों की हालत क्या हुई होगी? ऊपर से आपके भाई इतने खतरनाक आदमी हैं। यही सोचकर मैं हंस रहा था। फोन बज रहा है। सर आपके साले का फोन। बोलो साले साहब, उन लोगों को उठा लिया ना? अगर अपने साले की भलाई चाहते हो तो जो हम चाहते हैं वो करो, समझे? मुझे दे। सीएम के साथ गद्दारी करके आज तू मिनिस्टर बना है ना? तेरे और तेरे परिवार की धज्जियां उड़ा देंगे हम। अब तुझे जितना बचना है बच ले। ए, मेरे साले को इज्जत से फोन दे। और सुन, यदि पुलिस को खबर की ना तो तेरी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या बोला तू? सर आप तो अपने पालतू कुत्तों के दम पर उछलते रहते हो, लेकिन हम जो करते हैं वो खुद करते हैं, तो फिर हमें पीछे हटने की क्या जरूरत? सर जो हमसे छीना है वो हमारा वापस कर दो, हम तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस कर देंगे। सुनिए, आपको फोन करके परेशान करने की जरूरत नहीं है, हमें हमारा स्कूल दीजिए और अपनी बेटी ले जाइए। ये क्या बोल रहे तू? इतनी आसानी से हम उसे उसकी बेटी दे देंगे? हमारा पूरा खानदान मिटा दिया है उसने, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मिनिस्टर कान खोल के मेरी बात सुन ले, हमें हमारा स्कूल वापस चाहिए, और अगर तूने नहीं दिया ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या हुआ? वो गुंडे लोग क्या कह रहे हैं तुमसे? 24 घंटे का टाइम मांगा है उन्होंने। मेरे भाई ने क्या कहा? उससे तो कोई बात ही नहीं हो पाई मेरी। क्यों? क्योंकि उसे किडनैप कर लिया गया है। क्या क्या कह रहे हो? ये बताओ तुम कुछ करते क्यों नहीं? अपनी बेटी को तो तुम बचा नहीं सकते, तुम किस तरह के मिनिस्टर हो? अरे बाप रे बाप, ये मैडम को क्या हो गया? ये तो दारू पीने लगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें जो करना है करो, मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाली। अगर 24 घंटे में मेरा भाई और मेरी बेटी अगर इस घर पे नहीं पहुंचे तो तुम अपनी मौत अपनी आंखों से देखोगे। हाँ हाँ सही कहा, मैं मरने वाला हूँ। ये क्या कह रहे हैं साहब? अपनी बेटी को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। अरे बाप रे, ये क्या कह रहे हैं साहब? मैं पागल नहीं हूँ जो अपनी जान दूंगा, बस एक नाटक कर रहा हूँ। और सुन, उन लड़कों को फोन करके बोलो कि मुझे हार्ट अटैक आया और मैं मर गया, और यहाँ के लोगों को भी यही बात मालूम चलनी चाहिए, पर मीडिया को पता ना चले। कल सुबह मेरे घर पे मेरी डेड बॉडी नजर आएगी, तभी वो लड़के हमारी बेटी को लेकर यहाँ आएंगे। मरा हुआ आदमी उसके बाद जिंदा होके क्या करेगा ये देखना। अरे सुनो, ये मैडम पता लगा वह कहां पर है? हेलो भाई, मैं मिनिस्टर साहब का पीए बोल रहा हूँ। कल रात को मिनिस्टर साहब को हार्ट अटैक आ गया, उससे उनकी मौत हो गई। भगवान के लिए उनकी बेटी से बात करा दो प्लीज, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। हाँ ठीक है, वो लोग आ रहे हैं। ए, मिनिस्टर हार्ट अटैक से मर गया, उसको लेके चलना होगा। ए, ये तू क्या कह रहा है? रानी क्या हुआ? तुम लोग इतने चुप क्यों बैठे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारे पापा हार्ट अटैक से मर गए हैं। तुम्हें जाना होगा।
मैं नहीं जाऊंगी। ए, तू क्या पागल हो गई है? जा यहाँ से। ए, अब तेरा बाप मरा है तो क्या करेगी आखिर? जाना ही पड़ेगा ना। हे, मेरा बाप मर गया इस बात का मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है। वो अच्छे थे, पर वो सिर्फ मेरे साथ अच्छे थे, बाकी समाज के लिए वो बहुत बुरे इंसान थे ना। तो क्या हुआ, थे तो तुम्हारे बाप ही ना। हे, उनका चेहरा भी मैं नहीं देखना चाहती। तुम कुछ भी कहो पर मैं वहां नहीं जाऊंगी। प्लीज मुझे फोर्स मत करो, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे बाप ने गलती की होगी, लेकिन तुम ऐसी गलती मत करो। इतनी जिद करना अच्छी बात नहीं है, हालात को समझो। वहां सब तेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो अभी यहां से चल। तू क्या चाहती है, हम भी तेरे साथ चलें? ठीक है, हम भी तेरे साथ चलते हैं। देखो तुम्हें जाना ही होगा। मालकिन, इन जैसा महान इंसान आज की दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। ये एक ही तो देवता थे जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया था। साहब, आप हम सबको छोड़कर चले गए। साहब, साहब आपका प्लान सक्सेसफुल है, सब लोग आपको मरा हुआ समझ रहे हैं। अरे साहब, आप हमको छोड़कर चले गए। साहब, अरे रे, आप कितने अच्छे थे, इस दुनिया से चले गए। अब हमें कौन संभालेगा? ये क्या हो गया? इन्हें चेयर पर बिठाओ, ले जाओ। मुझे पता भी नहीं था आपका किस किस के साथ संबंध है। साहब, मैडम से ज्यादा तो औरत रो रही है। साहब, मुझे छोड़कर चले गए। साहब, वहां देखो। जी मैडम। वो लड़के आए हैं। साहब, वो लड़के लोग आपके सामने आ गए हैं। साहब, खड़े हो जाइए, उठिए साहब। देखो बेटी, तेरे पापा हमको छोड़ के चले गए। आ जाओ मेरे बच्ची। सुनिए जी, आपकी बेटी आ गई है, वो लड़के भी आ गए हैं जी। देखिए, उठिए साहब, चारों आपके सामने खड़े हैं। साहब, उठिए ना साहब, देखिए चारों आ गए। साहब, उठिए साहब। मैंने कहा उठिए साहब। साहब, मुझे दे। मिनिस्टर, कान खोल के मेरी बात सुन ले, हमें हमारा स्कूल वापस चाहिए, और अगर तूने नहीं दिया ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं मरने वाला। ए, रुक जा, फोन मत कट कर, सुन दे क्या बोल रहे हैं। बेटी को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। अरे बाप रे, ये क्या कह रहे हैं साहब? और सुन, उन लड़कों को फोन करके बोलो कि मुझे हार्ट अटैक आया और मैं मर गया, और यहां के लोगों को भी यही बात मालूम चलनी चाहिए, पर मीडिया को पता ना चले। कल सुबह मेरे घर पे मेरी डेड बॉडी नजर आएगी, तभी वो लड़के हमारी बेटी को लेकर यहाँ आएंगे। मरा हुआ आदमी उसके बाद जिंदा होके क्या करेगा ये देखना। ए, जब वो हमारे साथ फिर से इतनी बड़ी गद्दारी कर रहा है तो हम नहीं छोड़ेंगे। मिनिस्टर को हम सबक सिखाएंगे।
सोने। ए, कौन है यहाँ? बाहर आओ। कोई है? इतनी रात को भला यहाँ कौन आ सकता है? तुम लोग उस दिन अपनी बहन की इज्जत तो बचा नहीं पाए, अब यहाँ क्या मरने आए हो? सर हमें कुछ नहीं चाहिए सर, हमारा स्कूल हमें वापस कर दो। तभी ही हम आपकी बेटी वापस करेंगे। मेरे घर आके मुझे ही धमकी दे रहे हो? मेरी बेटी तुम लोगों के कब्जे में है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग आके मुझ पे हमला करो। एक एक को जान से मार दूंगा। छोड़ दो मुझे। देखो नहीं वरना अच्छा नहीं होगा, बोल रहा हूँ तुम लोगों को, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। मे
मेरे पिताजी की गलती की वजह से उनका स्कूल गया, उन्हें जेल जाना पड़ा और इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। मैं आपका स्कूल दिलाने में पूरी कोशिश करूंगी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। मैं आपके पिताजी का भी सपना पूरा करूंगी। मैं आपको जेल से रिहा करा के आपको आपकी फैमिली से मिलाऊंगी। कैसे हो तुम लोग? किसका इंतजार कर रहे हो? हमारे पिताजी। पिताजी, तुम सब कैसे हो? आपके बिना अधूरे हैं हम सब। मेरे लिए तुम सब लोग जेल गए, मुझे माफ कर दो। पिताजी, ये सब इनकी वजह से हुआ है, हमारी नहीं। जरूर ये किसी अच्छे माँ बाप की एक अच्छी औलाद है। धन्यवाद बेटा। आज तक जो भी हुआ उसे भूल जाइए सर। देखिए, आपके स्कूल के आगे यूनिवर्सिटी भी है। मेरे पापा की गलती मैंने सुधारी है, अब ये स्कूल आपके नाम हो गया है। ये लीजिए फाइल प्लीज। पता है बच्चों, तुम सब स्टूडेंट्स नहीं हो, तुम सब एक लीडर हो।